स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो so, फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर में आगे बढ़ते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिससे आप लोग के एग्जाम में नो no डाउट हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे एंड इन द लास्ट आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख बताना है ठीक है ना इस मारफा जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर नाउन और हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा स्पेसिफिक पर्सन यानी कि किसी भी स्पेशल नाम खास नाम को कहते हैं हम लोग इस मारफा जैसा कि मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ अगर आप लोगों ने इसका नेक्स्ट इसका पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें ठीक है इस मारफा और इसम नकरा इस, इस मारफा ख़ास नाम और इसम नकरा जो है ना उस उसको क्या कहते हैं वो आम नाम को कहते हैं यानी कि जिसे पूरी जाति का बोध है जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं शहर में रह रही हूँ तो शहर में तो कोई भी शहर आ सकता है शहर की पूरी जाति आ सकती है तो शहर एक नाम है तो शहर कहलाएगा क्या इसम नकरा लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पटना शहर में रहती हूँ तो फिर यहाँ पर एक खास शहर का नाम ले ली एक स्पेसिफिक शहर सिटी का नाम ले ली मैं पटना तो यहाँ पर पटना जो नाम है ये जो इसम है ये क्या कहलाएगा इसम मारफा कहलाएगा तो स्पेशल स्पेसिफिक नाम को हम लोग क्या कहते हैं इस मार्फा कहते हैं ठीक है चलिए तो इस मार्फा की सात किस्में यानी कि सात टाइप है और हर एक टाइप से आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये याद रखिएगा तो ये सातों टाइप को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इस मारफा की सबसे पहला टाइप यानी कि सबसे पहला किस्म जो है ना वो है इसम इसम किसी भी शख्स के ख़ास नाम को कहते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए इस मार्फा और इस मरकर में थोड़ा सा का अंतर है हो सकता है कि आप लोग ये टॉपिक पढ़ लिए हों क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले पिछले सेशन में भी पढ़ा चुकी हूँ ठीक है लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए ठीक है नए एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और लास्ट में सबसे नई बात ये है ना कि लास्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिससे पता चलेगा कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया है कि नहीं ठीक है ना तो कंप्लीट वीडियो को देखिए और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है ठीक तो है चलिए तो इसमें म्यालम क्या कहते हैं किसी भी शख्स के खास नाम को कहते हैं इस मार्फा किसी भी चीज़ का खास नाम चाहे वो इंसान का खास नाम हो चाहे वो जगह का खास नाम क्यों ना हो चाहे वो जानवर का खास नाम क्यों ना हो मतलब किसी भी चीज़ का खास नाम इस मार्फा कहलाता है लेकिन सिर्फ इंसान का खास नाम व्यक्ति सिर्फ शख्स का ख़ास नाम क्या कहलाता है इसमें अलम कहलाता है जैसे कि गालिब वली दखनी राशिकम आबादी ठीक है तो ये सभी नाम जो है ना सुहेल अज़ीम आबादी ठीक है उसके अलावा जो भी मतलब इंसान यानी कि शख़्स का ख़ास नाम क्या कहलाएगा इसमें अलम कहलाएगा दूसरा देखिए दूसरा जो टाइप है यानी कि दूसरा किस्म वो है इसमें ज़मीर ज़मीर का मतलब ही मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रही हूँ ज़मीर को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउन और हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम मतलब कि वह नाम जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल हो उसे कहते हैं हम लोग सर्वनाम वह लफ्ज़ वह वर्ड जो नाउन के बदले में यूज़ किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रोनाउन और उर्दू में ज़मीर कहा जाता है मतलब कि जैसे कि मेरा नाम कुछ ना कुछ है तो मैं अपना नाम लेने के बजाय अपने आप को क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ यानी कि नाम के बदले में मैं लफ्ज़ यूज़ हो रहा है आप लोगों का कुछ ना कुछ नाम है तो आप लोगों का नाम लेने के बजाय मैं कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ आप लोग तो मैं आप लोग तुम तुम लोग हम हम लोग वह वह लोग ये सभी लफ्ज़ जो है ना नाम के बदले में इस्तेमाल होते हैं तो ये सभी इसमें क्या कहलाएंगे ये सभी लफ्ज़ क्या कहलाएंगे इसमें ज़मीर कहलाएंगे तो देखिए मैं लिख दी हूँ मैं हम तुम आप ठीक है तीसरा तीसरा टाइप है इसमें इशारा नाम में ही है इशारा यानी कि जो लफ्ज़ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो उसे कहते हैं हम लोग इसमें इशारा और इशारा दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं या तो नज़दीक के लिए या तो दूर के लिए अगर नज़दीक का इशारा करना है तो हम लोग कहेंगे यह या, यानी कि ये जो कलम है ये तुम फेंक दो ठीक है या फिर दूर का इशारा करना होगा तो हम लोग कहेंगे वह यानी कि वह जो किताब रखी हुई है वो मुझे ला कर दो ठीक है तो दूर का इशारा करने के लिए वह नज़दीक का इशारा करने के लिए यह तो यही दोनों लफ्ज़ क्या कह लेंगे इसमें इशारा कर रहे हैं ये, ठीक है चलिए चौथा टाइप है इसमें मौसूल ये बहुत ही ज़्यादा आसान है देखिए इसमें मौसूल उस तरह के इसम को कहते हैं जिसका मानी पूरा होने के लिए सेंटेंस का वाक्य पूरा होने के लिए उसका साथ वाला जुमला ज़रूरी हो मतलब साथ वाला उसका जो वस्ती जुमला है उसका होना ज़रूरी हो तभी जाकर पूरा कंप्लीट सेंटेंस का मतलब समझ में आता है जैसे कि मैं बोली कि जो कोई हमारे मार्कर को टच करेगा ठीक है जो कोई हमारे मार्कर को टच करेगा और बस इतना ही कहकर रुक जाऊँ तो फिर आप लोग आगे सुनने के लिए रुकेंगे ना यानी कि अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है अभी पूरा मानी समझ में आने के लिए आगे वाला सेंटेंस आगे वाला जुमला सुनना ज़रूरी है यानी कि मैं बोलूँगी तब जाकर जो है ना पूरा मीनिंग समझ में आएगा कि जो कोई मेरे कलम को टच करेगा उसको मैं जेल भिजवा दूँगी ठीक है तो यहाँ पर डायरेक्ट समझ में आ गया ओ माई गॉड इतना ख़तरनाक ठीक है तो जो कोई मेरे कलम को टच करेगा यहाँ पर जो कोई एक ऐसा लफ्ज है ना जो दो सेंटेंस को साथ में लेकर चल रहा है यानी कि इसका मानी कंप्लीट होने के लिए दूसरा वाला जुमला होना ज़रूरी है उसी तरीके से है जो जो मेहनत करेगा बस इतना ही मैं बोल कर रुक जाऊँ तो फिर आप लोग मानी समझ में आने के लिए आगे का जुमला सुनना चाहेंगे आगे वाला सेंटेंस सुनना चाहेंगे कि फिर आगे क्या जो कोई मेहनत करेगा उसके बाद क्या तो जो कोई मेहनत करेगा वो कामयाब होगा बस सिंपल बात है ठीक है तो ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो सेंटेंस जो मानी पूरा होने के लिए साथ वाले सेंटेंस साथ वाला जुमला होना ज़रूरी होता है ये साथ वाले जुमले को मांगते हैं ठीक है तो जो कोई जो जो कुछ वगैरह वगैरह ये सारे इसमें क्या कहलाएँगे इसमें मौसूल कहलाएंगे आगे बढ़ते हैं पाँचवा पाँचवा टाइप है इसम मजाफ इसम मजाफ इस उस तरह के इसम को कहते हैं जो अपनी नस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ दिखाए यानी कि जिसकी नस्बत यानी कि जिसका रिश्ता जो है ना दूसरे इसम की तरफ ज़ाहिर हो तो उस तरह के इसम को कहा जाता है इसम मजाफ जैसे कि महमूद का घर यहाँ पर घर जो है ना घर एक ऐसा इसम है एक ऐसा नाम है जिसका नस्बत यानी कि रिलेशन महमूद से है यानी कि ये एक ऐसा इसम है जो दूसरे इसम से अपना नस्बत ज़ाहिर कर रहा है यानी कि रिश्ता जाहिर कर रहा है कि घर किसका है तो महमूद का है तो ये घर वो इसमें मजाफ कहलाएगा और जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो मजाफ अलह कहलाता है जैसे कि महमूद की तरफ इशारा किया गया है ना यानी कि महमूद का घर है ना घर तो है और इस घर का रिलेशन किससे है तो महमूद से है तो महमूद तो कहलाएगा मजाफ अलय है और घर कहलाएगा इसमें मजाफ मतलब जो इसम किसी दूसरे इसम की तरफ रिलेशन ज़ाहिर करे इशारा ज़ाहिर करे आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब नस्बत जाहिर करे ठीक है तो घर तो है और इस घर का रिश्ता किससे है तो महमूद से है तो घर हो जाएगा इसमें मजाफ और महमूद क्या हो जाएगा महमूद हो जाएगा मजाफ अय है ठीक है क्योंकि इस महमूद का ये घर है यानी कि महमूद की तरफ इशारा किया गया है महमूद का घर से नस्बत है यानी कि रिश्ता है ठीक है उसी तरीके से सलीमा की किताब किताब का रिलेशन ज़ाहिर किया जा रहा है सलीमा से तो किताब तो हो जाएगा इसमें मज़ाफ और सलीमा हो जाएगी किसकी किताब है जिसकी तरफ इशारा किया जाए तो सलीमा की किताब है सलीमा की तरफ इशारा किया जा रहा है तो सलीमा क्या हो जाएगी मजाफ अलहेगी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ छठा किस्म यानि कि छठा टाइप इसमें माहूद किसे कहते हैं वह इसम जो खिस, जो ख़ास शख्स के लिए मुकर कर दी गई हो वह नाम जो किसी खास शख्स या फिर जगह के लिए मुकर कर दी गई हो उसे कहते हैं हम लोग इसमें माहूद जैसे कि आप लोगों के फैमिली वालों में सभी लोगों को पता होगा कि आपका दोस्त कौन है ठीक है ना? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली और अगर आपका दोस्त आपके घर पर आता है तो आपके और आप लोग के फैमिली वालों को पहले से पता होता है आपको भी पता होता है कि हाँ हमारा दोस्त आने वाला है और जैसे ही आपका दोस्त आपके घर में एंटर करता है तो आपके फैमिली वाले आपको चिल्ला बोलते हैं अरे तुम्हारा दोस्त आ गया तो वो नाम तो नहीं रखे ना आपके दोस्त का सिर्फ़ बोले दोस्त आ गया और उतना ही से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरा दोस्त आ गया अब दोस्त का नाम भी पहले से ही फ़िक्स है कि हाँ ये दोस्त आ गया मतलब दोस्त का नाम नहीं रखा गया ठीक है सिर्फ दोस्त कहा गया और उससे आप लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा मेरा दोस्त आ गया मतलब ये पर्सन आ गया ठीक है जो भी आपका दोस्त का नाम हो ठीक है तो यहाँ पर दोस्त का नाम ना लेकर सिर्फ दोस्त बोला जा रहा है और उस जो दोस्त का नाम है उसके लिए एक ख़ास यहाँ पर वर्ड सेलेक्ट कर लिया गया है दोस्त डायरेक्ट दोस्त पता चल जा रहा है कि हाँ कौन सा दोस्त तो दोस्त क्या कहलाएगा इसमें माहूद कहलाएगा मतलब ख़ास शख्स या फिर ख़ास जगह के लिए जो नाम पहले से ही मुकर कर दी गई हो ठीक है उसे इस माहूद कहते हैं तुम्हारा दोस्त आ गया दोस्त में पहले से ही फ़िक्स है कि कौन सा दोस्त हो सकता है यहाँ पर नाम नहीं लिया गया लेकिन फिक्स है कि हाँ दोस्त यही आ सकता है ठीक है एक ही तो दोस्त है उसके बाद से बाज़ार से सब्जी लाओ अब मान लीजिए जहाँ से आप हर रोज जा... जिस बाज़ार से आप लोग सब्जी जाकर लाते हैं हर रोज आपके मम्मी पापा भेजते होंगे सब्जी लाने के लिए बाज़ार से ठीक है तो अब जो है ना सिर्फ़ आपके मम्मी पापा बोलते हैं जाओ बाज़ार से सब्जी लेकर आ जाओ तो आप जाते होंगे और बाज़ार से सब्जी लेकर आ जाते होंगे बाज़ार का नाम तो आप लोगों के अम्मी अबू नहीं बताते हैं ना कि इस बाज़ार से सब्जी लेकर आ जाओ बाज़ार का मतलब आप लोगों के माइंड में पहले से फिक्स हो चुका है एक ख़ास बाज़ार का नाम जो है ना फिक्स कर दिया गया है कि हाँ बाज़ार से सब्ज़ी लेकर जाओ लेकर आओ मतलब कि आप लोग को समझ में आ गया है कि हाँ इस बाज़ार से सब्जी लाना है उस बाज़ार का मान लीजिए जो भी नाम हो ठीक है तो यहाँ पर नाम पहले से ही मुकर कर दी गई है ठीक है एक ख़ास बाजार का नाम जो है ना पहले से ही फ़िक्स कर दिया गया है तो चाहे वो जगह का नाम हो चाहे वो इंसान का नाम हो अगर पहले से ही मुकर कर दी गई है ठीक है सिर्फ़ बाजार सिर्फ दोस्त इस तरह बोला जा रहा है तो समझ में आ जा रहा है कि हाँ कौन सा दोस्त और कौन सा बाजार ठीक है क्योंकि ये पहले से फिक्स हो गई है तो इस तरह के इसम को क्या कहेंगे इसमें माहूद कहेंगे तो बाज़ार से सब्जी लाओ अगर आपके मम्मी पापा कहते हैं तो आप लोग को डायरेक्ट समझ में आता है कि हाँ और कोई दूसरा बाजार से तो सब्जी आता नहीं है यही इस बाज़ार का नाम है चलो इसी से सब्जी ला लेते हैं ठीक है तो यही बात है तो ये हो गया इसम माहूद आगे बढ़ते हैं सातवा और लास्ट टाइप है इसम मुनादा इसम मुनादा उस तरह के इसम को कहते हैं जिसको पुकारा जाए जैसे कि लड़के को पुकारा जा रहा है ए लड़के तो यहाँ पर लड़के क्या कहलाएगा इसम मुनादा कहलाएगा अल्लाह को पुकारा जा रहा है या अल्लाह तो यहाँ पर अल्लाह क्या कहलाएगा यह लफ्ज़ इसमें मुनादा कहलाएगा और जिस लफ्ज़ के ज़रिए पुकारा जा रहा है ए, ए लफ्ज के ज़रिए पुकारा जा रहा है ए लड़के तो यहाँ पर ए ये जो लफ्ज़ है ये हर फिनदा कहलाता है जिसको पुकारा जाए उसको इसमें मुनादा कहते हैं और जिस लफ्ज़ के ज़रिए पुकारा जाए उसको हरफ निदा कहते हैं यहाँ पर लड़के को पुकारा जाए तो लड़के हो जाएगा इसमें मुनादा और जिस लफ्ज़ के जरिए ए के ज़रिए पुकारा जा रहा है ना तो ए हो जाएगा हरफ निदा उसी तरीके से अल्लाह को पुकारा जा रहा है तो अल्लाह हो जाएगा इसमें मुनादा और या लफ्ज़ के ज़रिए पुकारा जा रहा है तो या हो जाएगा हरफ निदा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो फ़ाइनली यहाँ पर हम लोग इस मार्फा की सातों किस्मों को कंप्लीट कर चुके हैं सातों टाइप में आप लोगों को समझा दी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देने जा रही हूँ और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर लेकर बताना है देखिए ज़्यादा मैं हार्ड नहीं दूँगी सबसे पहला जो टाइप है इसमें इसका आप लोगों को कम से कम तीन एग्जाम्पल लिख बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है इसमें अलम लिख दीजिए और डैश देकर तीन एग्ज़ाम्पल लिखिए उसी तरीके से दूसरा जो टाइप है इसमें ज़मीर इसका कम से कम तीन एग्जाम्पल आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है अब जो मैं लिख दी हूँ वही नहीं आप लोगों को लिखना है अपने हिसाब से सोचना है ठीक है उसी तरीके से तीसरा जो टाइप है इसमें इशारा इसका तो दो ही एग्जाम्पल है तो इसको छोड़ते हैं चौथा जो टाइप है इसमें मौसूल इसका कम से कम दो एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ ठीक है उसके बाद से पाँचवा जो टाइप है इसमें मजाक इसका कम से कम इसका भी दो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ दो एग्ज़ाम्पल जो है ना इसका भी लिख कर बताना है कमेंट बॉक्स में इसमें माहूद का इसको भी रहने देते हैं मगर अगर आप लोग इसका एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं मिसाल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो कम से कम एक एग्ज़ाम्पल कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए ठीक है उसके बाद से लास्ट जो सातवा टाइप है इसमें मनादा इसका भी आप लोग एक एग्जाम्पल लेकर बता दीजिएगा मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है ठीक है तो फाइनली यहाँ पर सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया चलिए अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बेफिक्र होकर लीजिए लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके चैनल पर नए नए आए हुए हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे सुनाऊँ अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द इसका अगला वीडियो अपलोड होगा और उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को पूरे एनर्जी के साथ हम लोग कम्प्लीट करेंगे आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेना ही नहीं है खासतौर से उर्दू में ठीक है ना उर्दू में आप लोगों को टोटल मार्क्स मैं आप लोगों को दिलाकर रहूँगी बस जितना भी चैप्टर आप लोगों को अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं तो क्लास टेंथ का ऑल चैप्टर जो है ना पढ़ाया जा चुका है पूरा बुक कम्प्लीट कराया जा चुका है उर्दू का और अगर आप लोग ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं तो फिर ट्वेल्थ क्लास का भी टोटल बुक कंप्लीट कराया जा चुका है तो आप लोग चैप्टर को ज़रूर कंप्लीट कर ले जितना भी है मतलब उर्दू का बुक कंप्लीट कर ले उसके बाद से बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होने वाला है ऑब्जेक्टिव सीरीज वो भी नहीं तो लाइव तो उसमें आप लोग जुड़कर जो है ना लाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव करने में मज़ा आता है ठीक है ना तो वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है फिलहाल उर्दू ग्रामर को मैं सोच रही हूँ तब तक कंप्लीट करा दिया जाए जब तक कि ऑब्जेक्टिव स्टार्ट ना हो रहा हो मतलब जैसे ही स्टार्ट होगा उससे पहले जो है ना उर्दू ग्रामर को पूरा का पूरा कम्प्लीट करा दिया जाएगा और तब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा टेंथ क्लास के उर्दू का हो या फिर ट्वेल्थ क्लास के उर्दू का हो हिंदी का हो ठीक है मतलब हर एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा आप लोग टेंशन नहीं लीजिए ठीक है तो फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और ख़ुदा हाफिज